दोस्त दोस्त ना रहा, यह गाना तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन वास्तव में कुछ दोस्तों ने ही मिलकर अपने एक दोस्त के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिसे देखने के बाद आपका दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। अक्सर दोस्तों में पैसे का लेन देन होता रहता है, लेकिन पैसे के लेन देन में दोस्त ही दोस्त की जान के दुश्मन बन जाए ऐसा मुश्किल से ही देखने को मिलता है। लेकिन कटिहार में ऐसी घटना घटी है जहां पैसे के लेन देन को लेकर दोस्तों ने ही अपने एक दोस्त पर गोली चला दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बीती देर रात कटिहार के नया टोला फुलहरिया मोहल्ले में घटी। इस घटना को लेकर घायल प्रीतम ने बताया कि उसके दो दोस्त कुणाल और विजय ने फोन कर उसे बुलाया। इन दोनों के साथ एक और लड़का था। प्रीतम वहां पहुंचा तो इन लोगों के साथ उसकी बहस हो गई। प्रीतम ने जब देखा कि माहौल खराब हो रहा है तो वह अपनी मोटरसाइकिल से वापस जाने लगा, लेकिन पीछे से कुणाल और विजय ने उस पर गोली चला दी जिससे वह घायल होकर वही गिर पड़ा। गोली मारने के बाद उसके दोस्त मौके से फरार हो गए। कुणाल बात कर रहे थे, बुलाया था हमको फील्ड पे पैसा देने के लिए। कुणाल था, विजय था और एक लड़का और था, तीनों बात कर रहा था हमसे। अचानक से हम गाड़ी स्टार्ट किए। हम बस, हमको लगा कि करंट मारा हमको, हम गिर गए गाड़ी लेके। मेरा गाड़ी का चाबी और मोबाइल मारा के भाग गया। हमको शक है कुणाल और विजय पे। क्यों मारा पता नहीं, पैसा का मैटर। पैसा का मैटर था। नहीं नहीं, वही लोग किया है, लेकिन कुणाल है, विजय है इसमें शामिल। आप कोई विवाद था इससे? नहीं, कोई विवाद नहीं है ये लोग से मेरा। इनको बुलाया था वहाँ पे। क्या नाम है आपका? प्रीतम कुमार। घर कहाँ हुआ? तीन गछिया ने अटलो बुलवा। घायल प्रीतम ने फोन कर अपने रिश्तेदार राजकिशोर महतो को बताया कि उसे गोली लगी है। घटना यही घटी कि हम और राजीव मंडल बात कर रहे और उसी से मैं इसको फोन आया कि हमको गोली लग गया। प्रीतम नाम है लड़का का। उसी में फोन आ गया कि हमको गोली लग गया। अब वहाँ से हम लोग दुर्गा स्थान चौक से यहाँ आए, तो यहाँ आया तो आया, आने के बाद तब फिर उसको दिए ट्रीटमेंट में। यहाँ से बोले कि यहाँ तो ऑपरेशन होगा नहीं, जाना होगा मेडिकल कॉलेज। तब मेडिकल कॉलेज अभी लेके गए। कहाँ लगा गोली? पीछे माथा में। अच्छा, पीछे विवाद था कुछ समझ में आया? नहीं, विवाद के विषय में हमको जानकारी नहीं। अभी जानकारी नहीं? क्या झगड़ा उगड़ा कुछ पता? नहीं, झगड़ा नहीं। कोई लड़का से अपने दोस्त से बात करता होगा। अब बात करते समय वो बोलता है कि हमको पीछे में लगा कुछ, लगा कि करंट मार दिया कि क्या मार दिया। अभी जब हाथ उठ दिया तो ब्लड देखता है तो बोलता है गोली लग गया। कौन है इनके पिताजी? पिताजी का नाम राजीव मंडल है, नया टोला फुलवारी। घटना कहाँ हुआ? घटना कोई फील्ड में था, ये लोग पता नहीं है कि कौन फील्ड में था। सूचना मिलते ही राजकिशोर महतो घटनास्थल पर पहुंच गए और घायल प्रीतम को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां प्रीतम का इलाज चल रहा है। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। फिलहाल प्रीतम की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।